हेलो, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सिक्स पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स. हमें क्या करना है, जीरोज ढूंढने हैं. ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशंट्स. अब रिलेशनशिप किस दो चीज़ों के बीच में निकालना है, जीरोज एंड कोफिशंट. तो जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो जीरोस तो हमें चाहिए एंड कोफिशिएंट भी हमें चाहिए. तो अगर ये नहीं भी लिखा होता फाइंड द जीरोस, तो भी जीरोस तो निकालने ही पड़ते हैं. तो हम सबसे पहले स्टेप वन करते हैं. स्टेप वन, फाइंड द जीरोस. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द जीरोस? यस, पुट द पॉलीनोमियल इक्वल टू जीरो. सो पुट 3x² - x - 4 स्टैंडर्ड है. जब भी जीरोस निकालने हैं पॉलीनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करो. अब क्या करेंगे? यस, फैक्टराइजेशन. तो ये हमारे पास आ गया 3x² - 4x + 3x. ये कैसे किया मैंने फैक्टराइज, बता सकते हो? यस, फैक्टराइजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सो कॉमन लेंगे इन दोनों में, क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है. तो 3x - 4 आया. इन दोनों में क्या कॉमन है, 1. तो 3x - 4. देखो एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, ये हमेशा सेम आना चाहिए. ओके, सो हमारे पास क्या आ गया, x+1 एंड 3x - 4. x+1 × 3x - 4 इक्वल टू जीरो. इसका क्या मतलब हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है. तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा. कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनमें से एक को जीरो होना पड़ेगा. सो हम लिखेंगे x+1 = 0 और 3x - 4 =. इक्वल टू जीरो. सो दिस इम्प्लाइज x = -1 और x = 4/3. तो हमारे पास क्या आ गया, दो जीरोस आ गए. तो देयर फोर द जीरोज आर -1 एंड 4/3. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर ये नहीं भी लिखा होता फाइंड द जीरोज, क्वेश्चन सपोज यहाँ से शुरू होता वेरीफाई द रिलेशनशिप, तभी भी आपको ये करना पड़ता, क्योंकि जीरोज तो चाहिए ना, जीरोज के बिना कैसे करोगे रिलेशनशिप वेरीफाई. तो जीरोज तो आ गए. अब क्या निकालेंगे, कोफिशंस. स्टेप टू, कोफिशंट्स. सो उसके लिए क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे. किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से. तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के ऑन क्या होगा, ax² + bx + c. इससे कंपेयर कर लेते हैं. x² का कोफिशियंट क्या है, a. यहाँ x² का कोफिशियंट क्या है, 3. तो हमारे पास क्या आ गया, a = 3. x² का कोफिशियंट क्या है, b. यहाँ पे x² का कोफिशियंट क्या है, -1. यहाँ देखो आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, जब भी आपको वेरिएबल के साथ नंबर नहीं दिखता वो 1 होता है. साइन आप केयरफुल रहोगे, साइन को ध्यान में रखना है. तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1. 1 नहीं है, -1, क्योंकि माइनस भी है. कांस्टेंट टर्म क्या है, c. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4. फिर से ध्यान रखना है, 4 नहीं है, -4 है. अब आपके पास कोफिशियंट्स आ गए, जीरोस आ गए. अब क्या करना है, रिलेशनशिप लिखेंगे. रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a. सम ऑफ जीरोस इधर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर आएगा. तो LHS RHS निकाल लेते हैं. वेरीफाई का मतलब क्या होता है, कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आए. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं और राइट हैंड साइड सॉल्व करूं तो मेरे पास सेम आंसर आना चाहिए. इसका मतलब हो गया वेरीफाइड. तो LHS क्या है, सम ऑफ जीरोस. सम मतलब ऐड करना है. तो -1 + 4/3, तो ऐड करो. इसको यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया -3 + 4 1/3. राइट हैंड साइड देखते हैं, 1/3 आता है या नहीं आता है. राइट हैंड साइड क्या है, -b/a. इम्पॉर्टेंट, माइनस साइन पहले लगाओ, फिर
फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर बी की वैल्यू डालो. बी की वैल्यू क्या है? माइनस वन. एंड ए की वैल्यू क्या है? थ्री. अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं इस बात के कि मिस्टेक हो सकती है. ठीक है, तो वन बाय थ्री सेम आ गया. ओके, यहाँ करते हैं LHS RHS. LHS RHS. LHS की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. जीरोस क्या हैं? माइनस वन एंड फोर बाय थ्री. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. माइनस फोर बाय थ्री. RHS क्या है? सी बाय ए. सी की वैल्यू कितनी है? माइनस फोर. ए की वैल्यू थ्री. सो ये माइनस फोर बाय थ्री. तो इधर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है. तो अब हम बोलेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. सिंस LHS इज इक्वल टू RHS द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. समझ आया? कोई भी डाउट है डोंट हेजिटेट, पूछो. पूछोगे तो आ जाएगा. एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, नो ऑप्शन. अपने आपको ऑप्शन नहीं देना है आपने. ओके, थैंक यू.